हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरा कंप्यूटर नेटवर्किंग का सेवेंथ वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन और मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स अभी मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक इन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मेरा आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरा इसके पहले का वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, तो प्लीज़ वो सारे वीडियो लेक्चर देख लीजिए, तभी ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि जितने भी अभी तक वीडियो लेक्चर 1 से 7th जो भी आज बना रहा हूँ, वो सब आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ देख लेते हैं बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन क्या होता है। तो बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन जो होता है कि टोटल जो बैंडविड्थ अचीव हुआ, जितना भी उसका जितना अवेलेबल बैंडविड्थ है उससे हमें क्या मिला, मतलब जितना भी बैंडविड्थ हमें मिल रहा है तो उसका क्या यूज कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। और जो उसके बाद जो है कि हमें मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू हम किस तरह से अपने कम्युनिकेशन को, सिग्नल को प्राइवेसी और किसी भी प्रॉब्लम के साथ किस तरह से हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक की तरफ। तो मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में हम लोग देख लेते हैं। वेन एवर द बैंडविड्थ ऑफ ए मीडियम लिंकिंग टू डिवाइस इज ग्रेटर देन द बैंडविड्थ नीड्स ऑफ द डिवाइस, द लिंक कैन बी शेयर्ड। मल्टीप्लेक्सिंग इज द सेट ऑफ टेक्निक दैट अलाउ द साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन ऑफ मल्टीपल सिग्नल अक्रॉस ए सिंगल डेटा लिंक। एज डाटा एंड टेली कम्युनिकेशन यूज इंक्रीज सो डस ट्रैफिक। आपने मल्टीप्लेक्सिंग कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पढ़ा होगा, ये उसी तरह से वर्क मतलब प्रोसेस आर्किटेक्चर का इसका भी वैसा ही है। इसमें अगर आपके पास बैंडविड्थ जो दिया गया है, वो बैंडविड्थ जिस डिवाइस तक के लिए दिया गया, अगर वो उससे काफ़ी उसके पास बैंडविड्थ है, तो इसमें हम लोग सिग्नल को क्या करा सकते हैं, शेयर करा सकते हैं दूसरे डिवाइस के लिए। तो मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग और डी मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू जो होता है कि आपका सिग्नल 4:1 का अगर मल्टीप्लेक्सिंग है और 8:2 का मल्टीप्लेक्सिंग है, तो यानी हम अगर सिंगल बैंडविड्थ से ले रहे हैं तो 4 डिवाइस में हम लोग शेयर कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि आपके सिग्नल का बैंडविड्थ जो है बर्बाद नहीं होगा। अगर डिवाइस को जितनी बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा की हमारे पास फैसिलिटी है, तो हम शेयरिंग करके आगे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम लोग जो मल्टीप्लेक्सिंग के 4 टाइप्स के डिस्कस करेंगे। एक होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और स्टैटिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो ये आपको एक डायग्राम के थ्रू मैं दिखा रहा हूँ कि मक्स और डीमक्स लगा के किस तरह से हम लोग बैंडविड्थ के सिग्नल को शेयर करा सकते हैं। तो मल्टीप्लेक्सर में क्या है कि आपका n इनपुट लाइन है और उसके थ्रू 1 लिंक चैनल को हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और फिर फाइनली जब हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वही जो पाथ के थ्रू हम लोग n आउटपुट को हम दे पा रहे हैं। तो जस्ट क्लियर है कि आपके पास डिफरेंट सोर्स का डेटा है और वो n इनपुट लाइन के थ्रू आ रहा है, मतलब n इनपुट तरफ से आ रहा है। मान लीजिए 5 अलग डिवाइस के थ्रू आ रहा है, तो हम वहाँ पे मक्स लगा के हम कम्बाइंड सिग्नल कर देते हैं और उस पाथ को हम ट्रांसफ़र पाथ के थ्रू हम ट्रांसफ़र करते हैं, और जब रिसीविंग टाइम में हम फिर उसको डीमक्स लगा के डिफरेंटली सेट करते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि सिग्नल एक साथ ट्रेवल करता है, एक पाथ में ट्रेवल करता है, और शेयरिंग होने से ये है कि आपके पास बैंडविड्थ देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो आपका ये जो रास्ता है, प्रोसेस है, जो आपका पाथ है, उसमें जो है कि आपके पास बैंडविड्थ ज़्यादा है तो आप एन डिवाइस को एक साथ दे रहे हैं, तो इसके चलते क्या होता है कि बाकी सारे को जब शेयरिंग हो जाती है तो क्या होता है कि आपको सबको एक साथ साइमल्टेनियसली वर्क कराने से वर्क फास्ट हो जाता है और क्वालिटी काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। तो मल्टीप्लेक्सिंग को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग ये एनालॉग सिग्नल में यूज होता है, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग भी एनालॉग सिग्नल में यूज होता है, और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो होता है डिजिटल सिग्नल में यूज होता है। तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जस्ट देख लेते हैं हम लोग। एनालॉग सिग्नल में जो मतलब पाथ है, जो मीडियम है, वो एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट एनालॉग फॉर्म में ट्रांसफर होता है।
तो यहाँ पे हम लोग जो पाथ तो एक ही है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंपल जो फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी हम डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस का, तीनों डिवाइस का फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, F1 + F2 + F3, और उसको एक कंबाइंड फ्रीक्वेंसी F के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और जब डीमक्स, जब रिसीविंग डिवाइस के टाइम में हम उसको डीमक्स यूज़ करके फिर से हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके, और जो उसका डेस्टिनी है जिस डिवाइस के लिए वो भेजा गया था वहाँ पर सेपरेटली उसको हैंडल कर देते हैं। ये काफ़ी सिंपल टेक्निक है जिसमें फ्रीक्वेंसी को हम लोग कंबाइंड करके पाथ के थ्रू ट्रांसफर करते हैं। ये जान ही रहे हैं कि FDM है, एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक पे काम करता है। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को मैं दिखा रहा हूँ कि जो थ्री डिफरेंट सोर्स से जो आपका सिग्नल आ रहा है, और मॉड्यूलेटर जो है उसको और यूज़ करके हम लोग क्या कर रहे हैं, सिग्नल के कैरियर को हम लोग, स्ट्रेंथ को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं एनालॉग में, और फिर फाइनली डी मॉड्यूलेटर वहाँ लगा के फिर हम लोग जो है उसको यूज़ करेंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि हमें फ्रीक्वेंसी को हम लोग को कंबाइंड भी करना रहता है। तो ये एक एग्जांपल के थ्रू तौर पे भी मैं दिखा रहा हूँ, FDM डी मल्टीप्लेक्सिंग एग्जांपल। यहाँ पे कंबाइंड फॉर्म में सिग्नल रिसीव हुआ और उसका फिल्टर डिवाइस यूज़ किया है। फिल्टर डिवाइस क्या करेगा, वो फिर से इसको सेपरेट करेगा, और फाइनली डी मॉड्यूलेटर का काम ये है कि चूंकि सिग्नल तो एनालॉग है लेकिन डेटा तो डिजिटल रिसीव होगा, तो फिर वो क्या करेगा कि डिवाइस तक पहुँचने के पहले उसको डी मॉड्यूलेट करके फाइनली सिग्नल को डिकोड करेगा। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको दिखा रहा हूँ। दूसरा जो है वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ये भी आपका जो है एनालॉग सिग्नल के बेस पे काम करता है। यहाँ पे हम लोग वेवलेंथ के थ्री डिफरेंट चैनल से जो आ रहे हैं, थ्री अलग अलग डिवाइसेस और अलग अलग चैनल के थ्रू आ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वेवलेंथ को फाइनली कंबाइंड करते हैं मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू। और उसके बाद क्या होता है कि उसको फिर पाथ में हम लोग कंबाइंड वेवलेंथ सिग्नल भेजते हैं, और जब रिसीविंग डिवाइस होता है तो वहाँ पर डी मल्टीप्लेक्सर यूज़ करके फिर से इसको सेपरेट करते हैं, और जिस डिवाइस के लिए रिक्वायरमेंट डेस्टिनेसी है उसको हम लोग वहाँ पर रिसीव कराते हैं। तो ये भी एक एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक का एग्जांपल है। इसके लिए हम लोग जो पाथ यूज़ करते हैं वायर में, अगर यूज़ करें तो ऑप्टिकल सिग्नल इसके लिए बेस्ट है। तो यहाँ पे हम प्रिज्म का एक एग्जांपल लिए हैं मल्टीप्लेक्सर के फॉर्म में, कि हम लोग सिग्नल को फाइबर ऑप्टिक्स केबल के थ्रू क्या कर रहे हैं, हम लोग उसको सिग्नल को कंबाइंड करके फाइबर ऑप्टिक पाथ के थ्रू हम लोग वेवलेंथ को ट्रांसफर कर रहे हैं, और रिसीविंग डिवाइस में फिर डी मल्टीप्लेक्सर लगा के उसको सेपरेट कर रहे हैं। तो ये दोनों का जो ड्रॉबैक है कि काफ़ी सिंपल टेक्निक है और बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ सिग्नल के लिए नहीं जानी जाती है, उससे काफ़ी अच्छा हुआ कि हम लोग टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो डिजिटल सिग्नल के लिए यूज होती है, यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस को शेयर करा सकते हैं। तो यहाँ पे ये टाइम स्लॉट वाइज काम करता है, टाइम स्लॉट के फॉर्म में इस तरह से ये काम करता है कि आप जैसे मान लो चार डिफरेंट डिवाइसेस, चार डिफरेंट चैनल्स रहता है, मक्स लगा के हम लोग उसको एक कंबाइंड पाथ के फॉर्म में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये इक्वल स्लॉट वाइज ये ट्रांसफर होता है। देखिए हाँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग एक कंप्लीट पाथ को इक्वल स्लॉट दे देते हैं, जैसे चार डिवाइसेस चारों को इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ टाइम देंगे, और अगर 8 है तो इसी तरह से 8 डिवाइसेस में उस टाइम को, मान लीजिए कि 1 सेकेंड इसका टाइम लगता है एक पास से दूसरे पास में ट्रांसफर होने, तो 1 सेकेंड का 8 से डिवाइड कर देंगे, और जो भी टाइम इंटरवल आएगा उसमें हम उन 8 डिवाइसेस के लिए हम लोग उस स्लॉट को प्रोवाइड करेंगे। तो ये डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक का एग्जाम्पल है। तो ये दोनों टेक्निक में जो होता है लो रेट चैनल और हाई रेट में। तो यहाँ पे हम सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मतलब सिक्वेंशियल ऑपरेशन के साथ हम इसको दिखा रहे हैं, और एक होता है ए सिंक्रोनस जिसमें कोई सिक्वेंशियस ऑपरेशन नहीं होता है। तो इसमें सिंक्रोनस का एक बेनिफिट ये है कि द डेटा रेट ऑफ डेटा लिंक इज एन टाइम फास्टर एंड द यूनिट ड्यूरेशन ऑफ एन टाइम शॉर्टर। कुछ एग्जाम्पल्स है, इसको मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और यहाँ पे वही है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का जो है
सिंक्रोनस फॉर्मेट में डेटा को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, और इसको हम लोग एक फ्रेम के थोड़ा स्लॉट वाइज हम इसको एक जगह से दूसरे जगह पे भेज रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये एग्जांपल्स है, ये देखिएगा। यहाँ पे एग्जांपल्स है, ये मल्टी लेवल मल्टीप्लेक्सिंग है, यानी बहुत सारे चैनल्स को, और उसके बाद भी हम उसको डिफरेंट डिफरेंट मक्स से पहले भी कंबाइंड करके फिर फाइनली एक लार्जर मक्स से कंबाइंड कर रहे हैं। यानी ये काफ़ी बड़े कॉम्प्लेक्सिटी के साथ हम लोग डेटा सिग्नल को हैंडल करते हैं। यहाँ पे मल्टीपल स्लॉट मल्टीप्लेक्सिंग, ये इससे भी एडवांस है, यानी जो हम डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स ला रहे हैं उसमें भी स्लॉट इंटरवल, फिर फाइनली जो लार्ज मल्टीप्लेक्स है उसमें भी स्लॉट इंटरवल। तो ये काफ़ी लार्ज क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स के लिए, जब आपके पास हाई बैंडविड्थ आपके पास अवेलेबल है। तो ये आपका जो है वीडियो लेक्चर था, जिसमें हमने आपको वेवलेंथ का जो और फ्रीक्वेंसी का जो है हमने मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू जो है यूज़ करा के दिखाया, फ्रीक्वेंसी डिवीजन, वेवलेंथ डिवीजन और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसमें एक और टॉपिक है स्प्रेड स्पेक्ट्रम। स्प्रेड स्पेक्ट्रम वी कंबाइन सिग्नल्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज टू फिट इनटू लार्जर बैंडविड्थ, बट आवर गोल्स आवर टू प्रिवेंट एव्स ड्रॉपिंग एंड जैमिंग। टू अचीव दिस गोल स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक एड रिडंडेंसी। इसमें क्या है कि अगर आप बहुत सारे सिग्नल्स के डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से कंबाइन करके एक लार्जर बैंडविड्थ में आप थ्रू अगर आपके पास है और आप उसके थ्रू कंबाइन करके डिफरेंट डिफरेंट सोर्स और डिफरेंट डिवाइसेस का सिग्नल्स को कंबाइन करके एक सिंपल पाथ से जहां पे बैंडविड्थ काफ़ी हाई उसके थ्रू ट्रांसफर कर रहे हो, तो इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि एक तो काफ़ी ट्रैफिक हाई हो जाता है जिसके चलते कंजेशन प्रॉब्लम हो जाता है, जिससे डेटा स्पीड स्लो हो जाती है। तो स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक क्या करता है कि इस टेक्निक में हम उस जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो पाथ का कॉम्प्लेक्सिटी होता है उसको वो रिड्यूस कराता है। तो उसमें ये देखता है कि अगर कोई डेटा कॉमन है या एक बार डेटा जाके फिर से रिपीट हो रहा है तो उस चीज़ को ये चेक करता है, जिससे कि वो रिडंडेंसी मतलब जो सिमिलर टाइप ऑफ डेटा जो होता है उसको रिमूव कर सके, ताकि इसका जो जो आपका प्रोसेस है, जो स्पीड है डेटा का ट्रांसफर का, वो फास्ट हो सके। ये दो प्रकार का होता है, एक फ्रिक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम होता है और डायरेक्ट सिक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम सिंक्रोनस होता है। तो ये इसका प्रोसेस है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बैंडविड्थ के चलते ये स्पीड स्लो हो गया था, और यहाँ पे स्प्रेडिंग प्रोसेस स्प्रेडिंग कोड लगा के हमने यूज़ किया, जिसके चलते ये बैंडविड्थ जो है जिसके थ्रू डेटा ट्रांसफर होता है, यहाँ पे डेटा ट्रांसफर स्पीड डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स का क्या हो गया कि फास्ट हो गया। तो इसका एक टेक्निक जो होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम, जिसमें हम लोग मॉड्यूलेटर को यूज़ करते हैं और फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर लगाते हैं, और फ्रीक्वेंसी टेबल के थ्रू हम फाइनली चेक करते हैं यहाँ पे कि डेटा कौन सा डेटा ट्रांसफर हो रहा है, वो कभी रिपीट हुआ कि नहीं, कौन से चैनल्स के सोर्स से डेटा आ रहा है। तो हम लोग इसके कोडिंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी का उसके फ्रीक्वेंसी के स्पीड से हम उसके डेटा को चेक करते हैं, और उसके साथ हम जो रिडंडेंसी वाला डेटा को रिमूव करते हैं। और DSS में हम लोग क्या करते हैं, क्लिप जनरेटर के थ्रू हम लोग इसके सिग्नल को स्प्रेड कराते हैं, ओरिजिनल सिग्नल को हम लोग उसको और बेटर बनाते हैं। तो क्लिप्स के फॉर्म में क्लिप जनरेटर यहाँ पे कोड होता है, जिसके थ्रू हम लोग इसको स्क्रिप्ट के सिग्नल को इम्प्रूव करते हैं। तो ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो गया है, आप इसको अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा, और इसके बाद क्या करना है कि आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो मैं दूंगा उसके लिए आप रेडी होइएगा। तो आप पूरा अच्छे से नोट्स बना लीजिए, सारे चीज़ प्रोसेस को देख लीजिए। धन्यवाद।